आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटी की लालटेन के 672वें एपिसोड पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं सिवनी जिले के पैंच नेशनल पार्क, जिसे आप मोगली की कर्म भूमि के नाम से भी इसकी पहचान है। और पैंच नेशनल पार्क में एक बफर क्षेत्र में यहाँ पर एक कैंप बनाया गया है वन विभाग के द्वारा। ये आप हट्स देख रहे होंगे, यहाँ पर झोपड़ियाँ हैं और टेंट बनाए गए हैं। यहाँ 9 टेंट आपको हम दिखाते हैं। इन 9 टेंट्स में पर्यटक रुकते हैं और इसका संचालन, जैसा बताया गया कि वन समितियाँ या उनका सोसाइटीज़ के द्वारा किया जाता है। आज हमारे साथ वन विभाग के यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये यहाँ नलयेर कैंप है जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये नलयेर कैंप में व्यवस्थाओं का संचालन किस तरह से होता है, ये हम आपसे जानते हैं। आपका बहुत स्वागत है, आपका शुभ नाम जी। नमस्कार, मैं जिले सिंह दुर्वे, परिक्षेत्र सहायक कुरई बफर और परिक्षेत्र रूखड़ बफर पैंच टाइगर रिजर्व सिवनी। ये यहाँ जो नलयेर कैंप है, ये नलयेर, इसका नाम कैसे, इसका नलयेर? सर बेसिकली यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ी दूर पहले, ये जो यहाँ से 50 मीटर दूरी पर एक नेचुरल वाटरफॉल है, प्राकृतिक जल स्रोत, तो वहाँ 12 से 12 महीने पानी का रिसाव होता है। तो पहले यहाँ आप आसपास की जो जनरेशन है, खेती करने वाले लोग हैं और बावनथड़ी के लोग, ये बहुत पहले जब नलकूप नहीं हुआ करते थे, कुआँ नहीं थे, तो अब ये लोग यहीं से अपना पीने का प्लस उपयोग करने का जो पानी है वो यहीं से लेते थे। और नल एयर का जो मतलब होता है कि नल मतलब जो गांव में जो नल होते हैं, हम जो घरों में लगाते हैं, शहरों में होते हैं वो, और एयर का मतलब गोंडी भाषा में होता है पानी, तो उसको उन्होंने अपने आस्था से जोड़ करके उसको इन्होंने नलेर बाबा के नाम से फेमस कर दिया। और आस्था से जोड़ करके जो भी मन्नतें उनको मांगनी रहती है तो ये मांगते हैं। और आज आप जिस समय में यहाँ आए हुए हैं, उस समय में रात्रि के समय एक पूर्णिमा थी, पूर्णिमा में ये लोग मेला का आयोजन करते हैं और रात में यहाँ मेला था। और मेला में तरह तरह के उन्होंने पुराने समय में जो ड्रामा का पार्ट चलता था वो पार्ट किए, और ऐसा करके साल भर में एक बार ये मेले का आयोजन करते हैं। ये यहाँ पर मड़ई किस स्थान की, मड़ई नलयेर की थी या फिर इनका कोई और स्थान? जी, ये इनका कोई दूसरा स्थान नहीं है, नलयेर ये स्थान है और इनका एक गांव है जिसको उसका नाम है करजमारा, सही नाम है उसका करजमारा, पर उसको सभी लोग फतेहपुर भी बोलते हैं। तो वो फतेहपुर के जो ग्रामीण है और बावनथड़ी के जो ग्रामीण है, ये लोग मिलकर के इस मड़ई का आयोजन करते हैं। तो यहाँ ये 9 जो कैंप बने हैं, 9 टेंट बने हैं, इन 9 टेंट्स में व्यवस्थाएं सुविधाएं क्या क्या है? सर जैसा कि अभी हम लोग रिसेंटली में जहाँ आप लोग रुके थे नाइट के समय में, ये 4 टेंट 2 महीना पहले ही हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। और ये जो 5 टेंट हैं ये अटैच लेट बात नहीं है, तो ये अटैच लेट बात ना होने की वजह से ये इनकी अंदर जो है 4 आदमी की रुकने की सुविधा है। 2 बेड लगे हुए हैं, आपको एक पंखा है, और नॉर्मली जो हमको नेचर में जो फील करना है वही फीलिंग के लिए टेंट हैं। इनमें हम एसी सुविधा और जो शहरों में आप लोग लेते हैं ये सारी सुविधाएं से दूर है। हमको लगे कि हम जंगल में आए हैं तो हमें नेचर में कैसे रहना है और नेचर के साथ कैसे रहना है, तो ये बेसिकली सुविधाएं हैं। और इन यहाँ पर जो पर्यटक आते होंगे उनके चाय, नाश्ता, भोजन के लिए? जी, जो पर्यटक आते हैं, जैसा कि ये जो हम साइड डेवलप कर रहे हैं, ये साइड इको टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से और पैंच टाइगर रिजर्व के दोनों के सहयोग से इस साइड को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और इस साइड को डेवलप करने का हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जो लोकलिटी है यहाँ की, जो उनको हमको रोजगार देना है, जो समिति के लोग हैं उनको रोजगार देना है। तो हमारा जो इको विकास समिति बावनथड़ी है, वो बावनथड़ी के लोग ही इस कैंप में भोजन, नाश्ता और चाय की व्यवस्था वो लोग करते हैं, समिति के लोग। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप जब छोटे रहे होंगे तो हमको ज़्यादा ये तामझाम से बहुत दूर थे हम लोग, और उस समय सुविधाएं नहीं थी,
और हम लोग मम्मी पापा जैसा बना के हमें खिला देते थे वही हम खाते थे। आज हम लोग वही प्रयास करते हैं कि हमको जैसा उपलब्ध हो जाए वैसा ही भोजन हम यहाँ परोसते हैं। हम गांव रानी थाली, हमारे ये बीट गार्ड साहब हैं, ठाकुर साहब हैं आप, तो इस कैंप के प्रभारी हैं और बीट प्रभारी भी हैं प्लस कैंप प्रभारी हैं। मुख्य तो समिति के लोग इसको चलाते हैं पर उनके ऊपर सारा मैनेजमेंट का सिस्टम आप देखते हैं क्योंकि उन मैनेजमेंट या निगरानी कह ले, निगरानी जी निगरानी, अभी उनको इतना गांव के लोग हैं या पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो, पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए हमारे बीट गार्ड साहब ठाकुर साहब ये सब देखते हैं। और जो खाना बनाने का काम है आपको कोई स्पेशल कुक नहीं मिलेगा, जो हमारे गांव के लोग जो अपने लिए खुद बनाते हैं वही आपको भी परोसते हैं। जैसे सीजनेबल सब्जी यदि कोई भाजी आ गई तो वो परोसेंगे, मक्का की रोटी हमारी फेमस है। वो चीज तो हमने कल देखा, कल रात को जो उन्होंने अपने लिए दाल रोटी बनाई थी वही हमें खिलाई, वास्तव में घर से ज्यादा लजीज थी वो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जानना चाहेंगे ठाकुर साहब आपसे कि ये 9 जो यहाँ पर ये कैंप हैं, इन कैंप का सबका किराया एक ही है या अलग अलग आपने रखा? नहीं सर, ये पिछले वर्ष 2023 में इनको हमने चालू किया था तो इनका 4400 रुपये का पैकेज है 2 पर्सन पे, जिसमें 2200 रुपये पर पर्सन है, 2 टाइम भोजन 2 टाइम नाश्ता, 700 रुपये पर पर्सन उसका वो है, तो 1500 रुपये एक टेंट का किराया, 700 रुपये प्लस भोजन में 2200, तो 2 पर्सन का 2400। अभी पिछले उसमें हमने इनको अगस्त में तैयार किया है, ये VIPs है, इनमें लेट बात अटैच किया हुआ है, तो उनको हमने 2350 रुपये पर पर्सन में रखा हुआ, खाना में कोई चेंजेस नहीं है, तो उनका 2 पर्सन का 4700 रुपये चार्ज। इसकी बुकिंग के लिए क्या ऑनलाइन व्यवस्था है? क्योंकि अभी इको बोट से जुड़ने में शेष है अभी, तभी ऑनलाइन व्यवस्था में। तो जैसे कोई पर्यटक यहाँ आना चाहे हाँ, तो कैसे यहाँ प्रचार प्रसार इसका, जैसे अभी हमारे मोबाइल हैं, परिषद अधिकारी साहब के मोबाइल हैं, अधिकारियों के मोबाइल हैं, उनसे भी अभी संपर्क में बुकिंग हो रही है, और जो पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों के माध्यम से भी इसका प्रचार। पर्यटक खुद अपने आप बताते हैं कि यहाँ पर कैसा उन्हें फील होता है। और ये जो यहाँ अगर आप दिखाएंगे इस तरफ, तो ये देखिए जिप्सी आई हुई है, जिप्सी क्या यहाँ से संचालित होती हैं या फिर अभी आई हैं यहाँ? जिप्सी प्रायः रूखड़ गेट, मासूम नाला गेट, और यदि गेस्ट यहाँ रुके हुए हैं तो यहाँ रूखड़ गेट से गाड़ी आपको उपलब्ध करा दी जाए। मतलब ये हुआ कि ये जो जिप्सी यहाँ पर आई हुई हैं, ये जिप्सी पर्यटक किसी और गेट से अंदर गए होंगे और वहाँ से आकर रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक्चुअल सर क्या है कि ये, हाँ आप सही कह रहे हैं, ये रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग ऑर्डर पे समिति के लोग इनके लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था कर देते हैं मॉर्निंग में, और यदि आप लोग जैसे नाइट में कोई गेस्ट यहाँ रुका है और वो चाह रहा है कि मुझे मॉर्निंग सफारी जानी है, तो मॉर्निंग सफारी के लिए हम लोग यहाँ जिप्सी उपलब्ध करा देते हैं, तो यहाँ से मॉर्निंग सफारी भी हो जाती है और गाइड वाइड सब उपलब्ध है यहीं पे, सब कुछ यहीं मिल जाता है। अगर कोई यहाँ आता है तो निश्चित तौर पर जंगल का आनंद, ये लगभग कुरई से 10 किलोमीटर अंदर होगा, कुरई से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर पिंडरई करके एक गांव है, बड़ी बस्ती है, पिंडरई से आपको बाएं लेफ्ट लेना पड़ता है, वहां से फिर आपको 5 किलोमीटर में यह है, तो कुरई से टोटल 10 किलोमीटर पड़ता है कैंप पहुंचने के लिए। जैसे हम लोग इसका अभी पूछ रहे थे आप कि मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, टूरिस्ट को कैसे बताते हैं, हमारा पेंच टाइगर रिजर्व का एक वेबसाइट है, जो भी टूरिस्ट हमारे पेंच टाइगर रिजर्व में आता है तो हमारे गाइडों के माध्यम से हम इसकी भी जानकारी उनको देते हैं कि हमारी एक साइड है जो कैंपिंग साइड है और वो टेंट से बने हुए, आप वहाँ भी जाके रुक सकते हैं। तो अभी हम पिछले साल से देख रहे हैं कि पिछले साल जो टूरिस्ट की संख्या थी यहाँ पे वो बहुत कम थी, पर अब चूंकि साल भर हो चुके हैं तो जस्ट उससे डबल और 3 गुनी हो गई है, तो अब धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार भी आ रहा है। और आप लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं, देखिए हमारे लिए तो हम कितने ही अच्छा साइट चला लें, पर जब तक आप लोग हमारी साइट की तारीफ नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को
खुश नहीं मानते हैं और हमें 95% फीडबैक जो मिल रहा है इस कैंपिंग साइट के लिए वो बहुत बढ़िया फीडबैक आप लोगों से मिल रहा है हमें। पर अभी तक जो एक बात सामने आई है कि सिवनी में पेंच नेशनल पार्क सिवनी जिले में है, छिंदवाड़ा का कुछ हिस्सा है, कुछ नागपुर का हिस्सा है, पर इसमें एक बात सामने आ रही है कि सिर्फ कैंपिंग के लिए छिंदवाड़ा जिले के किसी गेट पर इस तरीके के टेंट या कैंप बने हुए हैं, ये बात ही लोगों की जुबान पर है। ये हो सकता है कि एक साल भर पहले आपने चालू किया, इसलिए माउथ पब्लिसिटी इतनी नहीं हो पाई हो। दूसरा, अधिकारियों को एक सुझाव और हम देना चाहेंगे कि कुरई, सिवनी या खवासा बॉर्डर, यहाँ पर भी आपको पब्लिसिटी के लिए इस कैंप के बारे में बड़े बड़े फ्लैग्स लगाने होंगे। अगर हम कुरई से अंदर आते हैं तो पिंडरई गांव में भी आपको बड़ा बोर्ड लगाना होगा। पर्यटक भटक जाते हैं और एक बार पर्यटक अगर आगे पीछे चला गया तो अगर उसकी पहले से बुकिंग नहीं है तो वो किसी और जगह जाकर रुक भी सकता है। इसके लिए आपको अधिकारियों को सर धन्यवाद, आपने जो अपना मत रखा है वो उस पर हमारे वरिष्ठ भी विचार कर रहे हैं और आपने जो मत रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कैंपिंग साइट की आप बात कर रहे हैं, भटकने की जो बात कर रहे हैं, हुआ है एक दो टूरिस्ट इधर उधर हुए हैं, पर लोकल के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनसे पूछते हैं तो ये लोकल लोग भी बता देते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। दूसरा, अभी जो आपने चूंकि कहा कि फीडबैक मिलता है, फीडबैक हम ऑन मतलब अभी आपको देना चाहेंगे। आपकी जो सड़क बनी है, सड़क में शोल्डर्स नहीं है, अगर गाड़ी का पहिया उतरेगा तो चढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। सड़क में शोल्डर्स नहीं है, शोल्डर मतलब सड़क और नीचे के बीच में लगभग 1 फीट का गैप है। आपके जो यहाँ पर टेंट्स हैं, उन टेंट्स में आईना नहीं है, शीशा नहीं है, अगर कोई रुकेगा वो नहाने के बाद उसे अगर कॉम्बिंग करनी है, कंघा करना है या दाढ़ी बनाना है तो उसके लिए शीशा आपके एक भी कैंप में उपलब्ध नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी ज़रूरतें हैं, हो सकता है चूँकि बहुत जल्दबाजी में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, अभी आपने चालू किया, पर अगर कोई पर्यटक आ रहा है, रुक रहा है, वो यहाँ पर आपको पे कर रहा है तो सुविधाएं वैसी ही चाहेगा जैसी सुविधाएं उसको घर। सर आप का विचार बिल्कुल सही है और उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, पर नेक्स्ट टाइम जरूर आप आइए, आपको हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। शिकायत नहीं, ये एक सुझाव, सुझाव हमारी शिकायत का नहीं, शिकायत होती तो इसे हम आपको सामने नहीं लाते। इस ये जो चीजें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित, चूंकि सिवनी जिला हमारा अपना जिला है और हम चाहते हैं कि सिवनी जिले में जो कुछ हो रहा है वो देश दुनिया को पता लगे और देश दुनिया कहीं ना कहीं नक्शे पे हम स्थापित हों। नहीं बिल्कुल सही है सर, आपका सुझाव बिल्कुल हमें मान्य है, हम मानेंगे और उस पर भी काम करेंगे, थोड़ा सा और भी विचार कर रहे हैं और जो भी सुझाव आते जाते हैं हम अपने वरिष्ठों को सुझाव देते हैं। जैसे कैंपिंग साइट की आपने बात कही तो अभी ये जो बेसिकली हमने जो कैंपिंग साइट तैयार किया है ये इसमें हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं तो इस अच्छे काम को देख करके हम नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट वर्ष में अगले साल हम दूसरी कैंपिंग साइट छिंदवाड़ा क्षेत्र में उसकी भी तैयारी चल रही है। इसको और विस्तृत करने का है आपका कि नौ टेंट के अलावा और बढ़ाने का है? सर अभी फिलहाल तो इस विषय पे अभी 2-3 महीना पहले ही अगस्त में हमने 4 टेंट और भी बढ़ाए हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है कि टूरिस्ट कम रहते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो टूरिस्ट जो है हमारे गेस्ट लोग टेंट के अंदर रुकना पसंद नहीं करते और ये सिर्फ बरसात के दिनों में और आपके सर्दियों में ये बहुत बढ़िया चलता है। तो ये बात भी हमने अपने वरिष्ठ से रखे हैं कि इसको बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, तो वो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया ध्रुवे जी आपका, बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका। अभी आपसे हमने जो चर्चा करी, हमने आपको बताया ये नलेर कैंप यहाँ पर है और टेंट आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पीछे, अगर आप देखेंगे तो ये इनका कैफेटेरिया है जहाँ पर किचन इनका, ये एक छोटा सा मचान जैसा बनाया हुआ है जिस पर बैठ कर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर शाम के समय या सुबह के समय चाय, नाश्ता या खाना खा सकते हैं। हमारे पीछे आप देखिए यहाँ पर भी टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ टूरिस्ट वहाँ रुके हुए दिख रहे होंगे। पूरी जानकारी नलेर कैंप की आपको मिली,
अगर आप सिवनी जिले का ये पैंच नेशनल पार्क जहाँ मोगली रहा करता था, मोगली की कर्मभूमि यहाँ पर है, और ये इसको हम एक अंदर से यहाँ पर दिखाते हैं, इसमें कोई रुका तो नहीं है अभी, तो इसको एक बार हम अंदर से आपको और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधा यहाँ पर टेंट के अंदर है। ये अंदर अगर आप आते हैं तो ये यहाँ ये टेंट बने हुए हैं, और ये देखिए ये लगभग 4x6 के 2 पलंग यहाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आपको यहाँ पर वो हैं खिड़कियाँ हैं, नेट लगी हुई है, मच्छर से आप बचे रहेंगे। एक छोटा सा बस यहाँ इन टेंट्स में अटैच लेट बाथ नहीं है, इनके लेट बाथ पीछे बने हुए, 4 जो अभी VIP बने हैं उसमें लेट बाथ साथ में बनाए गए हैं। जैसा कि वन विभाग के बड़े अधिकारियों का मानना है कि इनको भी अटैच लेट बाथ बहुत जल्दी किया जा सकता है, ये भी बहुत जल्दी अटैच लेट बाथ हो सकते हैं। और यहाँ 9 टेंट हैं, 9 टेंट अर्थात अगर 9 परिवार यहाँ आकर रुकना चाहें, बहुत इकोनॉमिक हैं, बहुत सस्ते हैं, खाना भी आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप घर पर खाना खाते हैं। यहाँ नल येर कैंप क्यों कहा जाता है ये भी आपको अभी बताया, यहाँ से ये वाला रास्ता रुखड़ जंगल की ओर जाता है, ये बफर क्षेत्र है रोकड़ का। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वनाच्छादित क्षेत्र इसे माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 672 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 673 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।